हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रीतिस किचन। तो आज हम लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए ब्रेड पकोड़े की रेसिपी दोस्तों, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है और जो है सुबह से ही आज हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है। तो मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि उनको ब्रेड पकोड़ा खाना है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्रेड पकौड़ा बनाऊँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने लिया है राजधानी का बेसन, तो कम से कम मैं 2 कटोरी जो है बेसन इधर ले लूंगी। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, मैं हमेशा जो है राजधानी का बेसन ही यूज़ करती हूँ क्योंकि इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो आप भी हो सके तो ये वाला बेसन ज़रूर ट्राई करके देखें जिसने भी नहीं किया है। तो इधर 2 कटोरी करीब मैं बेसन ले लूँगी। तो 2 कटोरी बेसन मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे डालूंगी 1 चुटकी करीब सोडा। तो यहाँ पे मैंने 1 चुटकी करीब सोडा डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है दोस्तों, हल्का क्रिस्पीपन देने के लिए ही आपको सिर्फ 1 चुटकी डालना है। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो जो हमारे ब्रेड पकौड़े हैं उनमें बहुत ज़्यादा तेल भरने लगेगा। इसके बाद मैं डालूंगी 1/2 चम्मच सफ़ेद नमक और थोड़ी सी अजवाइन। इससे अजवाइन से जो है ना दोस्तों पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे आप कितना भी तला हुआ खा लो, और कभी कभी तो तला हुआ खाना बनता ही है। और 1 चुटकी हींग। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो मैं इसका एक घोल तैयार कर लूंगी। थोड़ा और पानी डालेंगे, एकदम से आपको पूरा पानी नहीं डालना है क्योंकि आपका जो फिर बेसन है वो ज़्यादा पतला ना हो जाए इसलिए। बैटर मैं आपको दिखा दूंगी कि किस तरह से इसकी रखनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 कटोरी बेसन लिया था और कम से कम 1 गिलास पानी मैंने इसमें डाला जब, ताकि हमारा जो है इस तरह से घोल तैयार हुआ है। देखिए दोस्तों हमारा घोल इस तरह से होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा और हल्का पतला ही रखा है मैंने, क्योंकि थोड़ा पतला रखते हैं तो ब्रेड पकौड़े जो होते हैं ना वो थोड़े क्रिस्पी बनते हैं। अब इसे अच्छे से जो है फेंट लूँगी कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। वो बेसन तो हमारा तैयार हो चुका है, अब इसे मैं साइड में रख देती हूँ। अब ब्रेड में जो स्टफिंग होती है आलू की वो बनाना शुरू करते हैं। तो ब्रेड की आलू वाली स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए 4 से 5 उबले हुए आलू। आलू को हम सबसे पहले एक एक करके छील लेंगे। तो मैंने सारे आलूओं को छील लिया है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने लिया एक पैन, उसमें मैं चढ़ाऊंगी 2 से 3 छोटे चम्मच ऑयल। अब ऑयल को जो है गरम होने देंगे। तो देखिए यहाँ पे तेल हमारा गरम होना शुरू हो गया है। अब मैं डाल दूंगी यहाँ पे साबुत धनिया और साथ में डालूंगी 1/2 चम्मच जीरा। दोनों को ब्राउन होने देंगे। तो देखिए हमारा जीरा और जो हमने साबुत धनिया डाला था वो हल्का ब्राउन होने लगा है। और इधर मैंने जो है गैस फ्लेम को थोड़ा लो पे ही रखा है। अब मैं यहाँ पे डाल दूंगी 1/2 चम्मच हरी मिर्ची पिसी हुई। अब 1/4 चम्मच जो है पिसा हुआ लहसुन, स्वादानुसार नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा बिल्कुल 1/4 चम्मच करीब गरम मसाला और 1 चुटकी करीब हींग। अब इन सभी मसालों को जो है भून लेंगे। सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही हमें भूनना है और टेम्परेचर को बिल्कुल लो कर देना है।
अब हमने जो आलू लिए थे उनको अच्छे से मैश करके इस मसाले में मिलाएंगे। हाथ से इस तरह से बिल्कुल तोड़ लेंगे आलू को। थोड़ा गर्म है आलू, अब आलूओं को जो है इस मसाले में डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले के साथ। अच्छे से मिक्स करना है ताकि मसाला सभी आलूओं में जा सके। तो देखिए यहाँ पे सारा मसाला हमारा आलू के साथ मिक्स हो चुका है। अब मैं यहाँ पे डाल दूंगी एक बारीक कटी हुई प्याज। प्याज से दोस्तों ब्रेड पकोड़े में टेस्ट काफी अच्छा आता है, तो मैं तो हमेशा डालती हूँ ब्रेड पकोड़े में। और आज तो खास मेरे हस्बैंड की फरमाइश भी थी कि मैं जो है ना प्याज इसमें डालूं। और अब हम डालेंगे यहाँ पे कटा हुआ हरा धनिया। तो अब मैं यहाँ पे गैस फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ क्योंकि हमारी आलू की स्टफिंग रेडी हो चुकी है। तो देखिए ब्रेड पकौड़ा फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया एक कढ़ाई में ऑयल। और जब तक जो है ऑयल गर्म हो रहा है तब तक जो हम ब्रेड में स्टफिंग डाल लेते हैं। इस तरह से एक एक करके जो है हम ब्रेड के अंदर आलू भर लेंगे। अब दूसरे ब्रेड को इस तरह से चिपका देंगे अच्छे से प्रेस करके। इसी तरह से मैं बाकी ब्रेड में भी स्टफिंग भर लूंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने सभी ब्रेड्स में स्टफिंग डाल दी है। अब एक एक करके मैं बीच में से ब्रेड को जो है ट्रायंगल शेप में कट कर दूंगी। इस तरह से देखिए दोस्तों बाकी ब्रेड्स भी इसी तरह से कट कर लूंगी। देखिए कितनी अच्छी हमारी स्टफिंग लग रही है ब्रेड में। तो हमारे सभी ब्रेड में जो है स्टफिंग लग चुकी है। अब एक एक करके जो है इनको तलना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बार हाथ से इस तरह से जो है बेसन को फिर से फेंट लेती हूँ। और देखिए काफी मुलायम हमारा बेसन हो चुका है। अब एक एक ब्रेड को जो है डीप करके कढ़ाई में जो है ब्रेड पकौड़े को मैं डाल दूंगी। तो देखिए तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका था और मैंने गैस को जो है पहले ही लो कर दिया था। और ध्यान रहे दोस्तों बहुत ज्यादा गर्म तेल में भी आपको इसको नहीं डालना है। तो इसी तरह से मैं दूसरा ब्रेड पकौड़ा भी डाल देती हूँ। चारों तरफ से अच्छे से बेसन में डीप करेंगे। आप लो फ्लेम पे फ्राई होने देंगे। ब्रेड पकोड़े को जो है पलट लेंगे ताकि दोनों तरफ से ब्रेड पकोड़ा अच्छे से सीख सके। और अब जो है मैंने दोस्तों गैस को थोड़ा हाई कर दिया है। जब भी आपको लगे कि तेल थोड़ा ठंडा हो गया है
और ज़रूरत है इसे फ्राई करने की, तो आप गैस को जो है हाई कर सकते हैं। अब हल्का ब्राउन होने तक ब्रेड पकौड़ों को फ्राई करते रहेंगे। तो देखिए अब हमारा ब्रेड पकौड़ा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे मैं जो है निकाल लेती हूँ एक प्लेट में। तो देखिए दोस्तों कितने अच्छे हमारे ब्रेड पकौड़े तले हैं, और इसी तरह से मैं बाकी ब्रेड पकौड़े भी तल लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों हमारे ब्रेड पकौड़े बनके तैयार हो चुके हैं और काफी क्रिस्पी बने हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। अब मैं जो ऐसे कट करके भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों अंदर से स्टफिंग कितनी अच्छी बनी है और काफी टेस्टी जो है ब्रेड पकौड़े लगते हैं बनने के बाद। अब इन्हें जो है मैं एक प्लेट में सर्व कर लूंगी। तो देखिए दोस्तों हमारे गर्मा गर्म क्रिस्पी से ब्रेड पकौड़े बनके तैयार हैं, और आप इन्हें जो है अपनी मनपसंद हरी चटनी के साथ या फिर लाल चटनी के साथ या चाय के साथ जो है इंजॉय कर सकते हैं। मैं तो जो है ना ब्रेड पकौड़ों को चाय के साथ खाती हूँ हमेशा। तो दोस्तों और बारिश का मौसम भी है, तो ज्यादा से ज्यादा हो सके जो भी है ब्रेड पकौड़े बनाए मेरी इस रेसिपी से। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।